Welcome back to my YouTube channel English Twitter. So today we will learn about the sentences, phrase and clause. So everybody knows about the sentences. Basic definition of the sentence is a group of words which is make complete sentences called sentence. But अलग अलग क्लासों में हमारे को अलग अलग डेफिनेशन मिलती है. जैसा कि एज यू नो यहाँ पे दिया है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर सो एज टू मेक कंप्लीट सेंसेस कॉल्ड सेंटेंस. सेंटेंस वो होता है जो हमारे को हमेशा क्या दे, कंप्लीट सेंस दे. लाइक दैट यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखेंगे, माय मॉर्निंग मदर टू द टेम्पल गोज एवरी. डिड यू मीन एनीथिंग else, इसका मतलब आपको कुछ समझ में आया? यू गेट एनी पॉइंट? नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं. अगर मैं इसको प्रॉपर वे में बताऊं तो आपको, मैं अगर इसको बनाऊं तो हो जाएगा माय मदर गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग. यहाँ माय मदर सब्जेक्ट हो गया, गोज हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हो गया, टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग ऑब्जेक्ट हो गया. जहाँ पे हमारे को सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट करेंगे वही, उसी को हम बोलेंगे सेंटेंस. अब इसका मतलब क्या है, मेरी मम्मी हर सुबह कहाँ जाती हैं, मॉर्निंग टेम्पल जाती हैं. तो ये हमारे को एक प्रॉपर मीनिंग मिल गई. हमेशा जो सेंटेंस होता है वो स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ पंक्चुएशन मार्क. लाइक इंटरोगेशन में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन में आपको इस तरह से मिलेगी. आपको सेंटेंस थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. वैसे मैं आपको और कोशिश, जब मैं एग्जांपल्स कराऊंगी और क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रेज. फ्रेज क्या है? फ्रेज को हम हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं. ये सेंटेंस का एक रूप होता है, वाक्यांश, वाक्यों का अंश. लाइक दैट फ्रेज का जो डेफिनेशन होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंस बट नॉट कम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज. हमारे को सेंस तो मिलेगा लेकिन एक सेंटेंस जो सेंस आता है, कम्प्लीट सेंस वो नहीं मिलेगा. लाइक दैट अगर एग्जाम्पल देखें, इन द पार्क, आपको कुछ समझ में आया? एट रैंडम कुछ मीनिंग नहीं आ रही. इन द पार्क, पार्क में क्या हुआ? नथिंग. जॉय एंड सारोज क्या है यहाँ पे? खुशी और दुख. क्या यहाँ मीनिंग आया? कुछ समझ नहीं आया. ऑफ नो यूज, कोई ऑफ नो यूज, इसका कोई यूज नहीं है. किसका यूज नहीं है? तो यहाँ पे हमारे को कोई चीज क्लियर नहीं हो रही. अगर मैं आपको ये चीज कॉपी में, यहाँ पे देखिए फ्रेज, फ्रेज क्या है? इन द पार्क, नथिंग टू मीन इट. बट मैं इसको बताऊं, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क. बच्चे क्या खेल रहे हैं? पार्क में खेल रहे थे. तो द चिल्ड्रन क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया. और वर्ब क्या हो गया? हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, या वर्ब आप इसको मेन वर्ब बोलो. प्लेइंग क्या हो गया? वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई. एंड इन द पार्क जो हमारा फ्रेज था, यहाँ पे कोई यूज नहीं था. बट जब हम बोलेंगे द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, दैट इज द मीनिंग. अब इसका मीन आ रहा है कि बच्चे कहाँ खेल रहे थे? पार्क में खेल रहे थे. अगर मैं बोलूँ जॉय एंड सॉरोज, जॉय एंड सॉरोज कोई मीन. दिस चैप्टर इज ओवर नाउ. If you like my video, then subscribe my channel, press the bell icon for my upcoming new videos. Thank you, bye-bye.